बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के हुसैनपुर में एक मुठभेड़ के दौरान बिजनौर पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस का बदमाशों से आमना सामना हुआ, जिसके दौरान हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश पकड़ में आया और बड़ी मशक्कत के बाद दो बदमाश भी पकड़ में आए, जबकि दो बदमाश भागने में सफल रहे। इस पूरी घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसकी पुष्टि अजय कुमार साहनी एसपी बिजनौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। ये देर रात में इंस्पेक्टर किरत को कुछ अपराधियों के क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर उन्होंने उनका पीछा किया और उन्हें बाकी थानों की फोर्स बुलाई। नजीबाबाद किरतपुर के बॉर्डर पर 5-6 की संख्या में कुछ अपराधी थे, जिन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की और एक आरक्षी को उसमें गोली लगी। पुलिस ने भी जो अत्याचार जो फायरिंग करी है उसमें एक क्रिमिनल को गोली लगी है, उसको वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उसको हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। आरक्षी की हालत ठीक है। पूछताछ में पता चला कि ये एक गंभीर अपराधियों का गैंग है, जिन्होंने डकैती और डकैती में हत्या के कई गंभीर कारनामे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र में कर रखे हैं। कुछ मामलों में इनकी कुछ स्थानों पर पहचान हुई है उसके, और बाकी जो है इन पर आगे पहचान करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो बुलंदशहर हाईवे कांड से भी इनका कुछ संबंध जी, प्रारंभिक पूछताछ में जो सामने निकल के आ रहा है उसमें आ रहा है कि बुलंदशहर में ये छैमार गैंग बेसिकली है और उनके छैमार गैंग के ही लड़के थे जो आज घटना में भी शामिल थे, तो उससे भी इनकी लिंक हो रही है। आगे हम लोग इसको और सत्यापित कर रहे हैं।